माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और आपको बधाई देता हूं और अपने आप को मैं कुछ नसीब भी समझता हूं शांति से सुनिए सब लोग कि आपके चयन में कहीं मेरा भी योगदान रहा है प्रस्तावक के रूप में, तो मैं ऐसे योग्य व्यक्ति के चयन में मेरी भी सहभागिता रही है, तो मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस चेयर पे, इस कुर्सी पे पुराने जिस तरह से एक पद्धति चली आ रही है सम्मानित लोगों को आसीन कराना, उसमें आज हम सभी लोग मिल करके सर्वसम्मति से इसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए मैं अपने आप को नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी एवं हमारे अन्य जितने दलीय नेता हैं, मैं उसे अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि हम लोगों के बड़े भैया राजा भैया ने इस बात को इंगित किया है और मुझे लगा है कि सदन इस बात पे हंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये बात विवाद का, भाई ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी हंसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी वह नर्सरी अगर नहीं होती, वह नर्सरी नहीं होती तो उनका इस मंडप में, हाँ, अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी चेहरा नहीं देख सकते थे। आज उनके मुंह से हंसी आ रही है। दूसरा, क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में, भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत बधाई है। रह गए माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष की बात, तो मुझे वो दिन याद है जब 2012 में नेता प्रतिपक्ष उधर बैठते थे, हम सब आपके साथ इधर बैठते थे और उस समय बहुत ही वरिष्ठ और सूझबूझ वाले जो अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी उस चेयर पे आसीन थे। हम लोग देखे थे, जब हम लोग शुरू में जब आए थे हाउस में, और हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, अब इस सदन के सदस्य भी नहीं रह गए माननीय प्रमोद तिवारी जी, ये पहले गैलरियां बंद हुआ करती थी विपक्ष के तरफ की, और केवल इसलिए कि कोई बेल में ना जाने पाए। हम लोग उधर नेता प्रतिपक्ष के तरफ हम लोग पीछे बैठते थे। एक ऐसा इशू आया कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के थे लोग, वो गैलरी खुली थी, हम लोग पहले बेल में आ गए। और मुझे यह दिन याद है, आपका भी फोटो रखा हूं, आप सब और माननीय हुकुम सिंह जी जो नहीं हमारे बीच में, ये जो गैलरी बंद थी इसको ढांक रहे थे, उसमें कहीं पैर उलझ गया तो बाद में मुझे याद है कि बड़ा इसके लिए वाद विवाद हुआ कि ये तो भेदभाव हो रहा है, जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके लिए गैलरी बंद कर दी गई है, जो अधिक संख्या वाले हैं उनके खोल दी गई है। हम लोग समय अधिक संख्या वाले में थे, तो आप लोगों के कहने पर फिर माननीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस गैलरी को उसी समय खुलवा दिया। तो खुलवा दिया इसका मतलब, हालांकि ये मैं देख रहा हूं खोलने का दुष्परिणाम भी है, जब जिसका मन है दो पेपर उठाए तो उसे जाओ कि आगे गैलरी में चला गया। तो इसमें निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि सदन में अकेले जरूर हूं लेकिन सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष के पास अपरंपार संभावनाएं हैं अपनी बात रखने के लिए, और विपक्ष के पास, पूरे विपक्ष के पास जनता की समस्याओं को रखने के लिए इसके अलावा कोई भी फोरम नहीं है। और यह बात आप श्रीमान अध्यक्ष जी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हम विपक्ष का कैसे सम्मान बचे। ये जरूर है, ये हम लोग भी इस बात के लिए सोच रहे हैं कि भाई ना हम लोग ताली बजाने में हमारी आवाज उधर जा सकती है ना इधर आ सकती है, पता लगे कि अगर ये लोग ना चाहें कि हम लोग ना बोले तो नहीं बोल पाएंगे, आप लोग चाहें कि हम लोग ना बोले तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए, चूंकि इसमें हम लोगों की इस बात की खुशी है, मैं देखा हूं उन दिनों में भी उसी चेयर से
उसी चेयर से पिछले दिनों भी मैं देखा हूं, कई बार हम लोगों के बहुत पूज्य श्री दीक्षित जी हुआ जो बैठा करते थे, तो दोनों तरफ से उधर से कुछ इशारा होता था कि आगे बढ़िए, वो बेचारे इधर देख करके अपने आप को असहज महसूस करते थे। और यही नहीं हुआ, अभी देखिए ये हमारे भाई लोग हंस रहे हैं, मैं वो भी दिन याद दिला दूं जब उस तरफ ये बैठे थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कोई और बैठते थे और यही माननीय पांडे साहब वहां बैठते थे। मैं कई बार देखा हूं ये माननीय पांडे जी इधर इधर कुछ सुनना चाहते थे और इतनी तक नौ बताई कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने चेयर को छोड़ करके उठ के गुस्सा होकर चले गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं ऐसे स्पीकर हमारे उस समय थे माननीय माता प्रसाद पांडे जी कि उन्होंने इधर ध्यान दिया, अपने संसदीय कार्य मंत्री की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो गुस्सा होकर चले जाए तो हम अपनी बात मान ले, वो कहे कि ठीक है कोई दूसरा संसदीय कार्य मंत्री के चेयर पर बैठ जाएगा, लेकिन हम विपक्ष की बात आप सुना करते थे। हालांकि आप उसके साक्षी हैं, आप थे और मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके बगल में और माननीय आज संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं खन्ना जी, हम बगल में ही बैठते थे उस समय, हम लोग काफी सीखने का प्रयास करते थे हम लोग को देख करके, क्योंकि जो हम लोग माननीय तीसरी बार विधायक हैं केवल हम लोग इस बात के लिए सीखते हैं, जब कभी सुनते हैं कि नौवीं बार विधायक है तो हम लोग कहते हैं कि आज के लिए साक्षात देवता ही लोग हैं, एक बार के बाद दूसरी बार चुना जाना, तीसरी बार चुना जाना, लेकिन लगातार जो नौ बार चुना जा रहा है, इसलिए हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं इन विषम परिस्थितियों में इन कालों में कैसे लोग कैसे क्या क्या माहौल है, कई उसके बाद भी आप नौ बार अठक पर जीत के आप लोग आए हैं, तो आप लोग धन्य हैं, जितनी आपको सबकी प्रशंसा की जाए वो कम है।